हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम चर्चा करेंगे हिस्टेरोस्कोपी के बारे में। हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है, ये आईवीएफ में जरूरी क्यों है, या इसका क्या फायदा होता है, और ये किन पेशेंट्स में हिस्टेरोस्कोपी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टेरोस्कोपी होता क्या है। हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, स्कोप मतलब दूरबीन की सहायता से ये जो यूट्रस है आपका या जो बच्चेदानी है उसको देखना, उसको हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि आईवीएफ में क्यों करते हैं। जब इनिशियली पेशेंट या कपल जो इनफर्टिलिटी वाला होता है हमारे पास आता है, तो हम उसका एक यूट्रस का स्कैन करते हैं जिसको टीवीएस बोलते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि या तो उसकी लाइनिंग में थिन है, लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही जहाँ पे हमें एम्ब्रियो डालना है, या हमें कभी फाइब्रॉइड दिखाई देते हैं और कई बार पॉलिप दिखाई देते हैं जो कि उसके आईवीएफ के फेलियर के कारण हो सकते हैं। तो इसलिए जब हमें ये सब स्कैन से पता चलता है तो हम इसको हटाने के लिए या उसको प्रॉपरली डायग्नोस करने के लिए हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। तो ये जो हिस्टेरोस्कोपी है दो तरह की होती है, एक तो डायग्नोस वाली और दूसरी ऑपरेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डायग्नोसिस हिस्टेरोस्कोप क्या होता है। उसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमें कुछ लगा कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है या पॉलिप है या कुछ एडिजन्स हैं, तो इसके डायग्नोस करने के लिए हम प्रॉपरली हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, कई लोग इसे ओपीडी प्रोसीजर भी बोलते हैं। एनेस्थीसिया में किया जाता है, 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें एक दूरबीन टाइप होती है, उसको यूट्रस में डाला जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि पॉलिप तो नहीं है या कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जो कि उसकी लाइनिंग पे प्रेशर डाल रहा हो जिससे कि उसका आईवीएफ फेल हो रहा हो या आईवीएफ सक्सेस नहीं होगा। इसके अलावा अंदर कोई एडिशंस तो नहीं है, जो कैविटी वॉल्यूम है मतलब जो कैविटी है यूट्रस का अंदर का हिस्सा है वो ठीक है, खुला हुआ है, या उसको एडिशंस मतलब चिपका हुआ तो नहीं है, या फिर उसमें कुछ मतलब इन्फेक्शन तो नहीं है, लाइनिंग तो ठीक है। ये सब हम डायग्नोसिस जो होती है ये सब डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोप से किया जाता है। पर कई बार जब हमें पता चलता है कि उसके एक दो आईवीएफ फेल हो चुके हैं, अंदर हमें पॉलिप दिखता है, तो हम डायग्नोसिस के साथ साथ ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी भी कर सकते हैं। उसमें उसी हिस्टेरोस्कोप मतलब दूरबीन की सहायता से ही हम यूट्रस में जाते हैं और जो हमें पॉलिप दिख रहा होता है या फाइब्रॉइड होता है वो हम हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा ही रिमूव कर देते हैं। मतलब आपको कोई कट नहीं लगता है, कोई स्टिच नहीं आता है, हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा ही ऑपरेटिव या ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें जो यूट्रस की कैविटी है वो हमें अपने अकॉर्डिंग मिल जाती है, फिर हम आराम से लाइनिंग बनाकर उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए आईवीएफ में हिस्टेरोस्कोप जो होता है, हिस्टेरोस्कोपी जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है कि हमें डायग्नोसिस के अलावा ऑपरेशन ऑपरेटिव के अलावा भी हमें पता चलता है कि सब कुछ ठीक है, पर पेशेंट के 2-3 रिकरेंट आईवीएफ फेलियर हो चुके होते हैं। सब कुछ सही होता है, उसके एम्ब्रियो अच्छे होते हैं, यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बन रही होती है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, इसके बाद भी हम कई बार डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी करते हैं ये देखने के लिए कि जब सब कुछ अच्छा है तो आईवीएफ क्यों फेल हो रहा है। तो इसके लिए हमें डायग्नोसिस जो डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी करते हैं उससे कई बार महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। पता चलता है कि थोड़ा कैविटी वॉल्यूम कम है या सर्वाइकल स्टिनोसिस हो रहा है तो हम इजीली नहीं जा पा रहे हैं, या कोई उसका गलत पाथ बना होता है कि गलत रास्ते पे हमारा कैथेटर जा रहा होता है, मेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग में नहीं जा रहा होता, फॉल्स पैसेज बोलते हैं इसको। तो इस तरह से जो छोटी मोटी बातें हैं वो हमें हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा पता चल सकती है। तो आपको मैंने समझाया कि हिस्टेरोस्कोपी क्यों इम्पॉर्टेंट है, पॉलिप के लिए, इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड यानी कि जो कैविटी में फाइब्रॉइड है उनको रिमूव करने के लिए, या फिर आपकी लाइनिंग नहीं बन रही है, हमेशा 6-7 पे ही अटक रही है तो उसको भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आजकल जो हिस्टेरोस्कोपी का एक नया उपयोग और हो रहा है वो है पीआरपी में। कई बार क्या होता है कि पीआरपी को जब आपकी लाइनिंग नहीं बनती तो हम पीआरपी करते हैं। तो पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा,
वो हम यूट्रस में डालते हैं IUI कैनुला के द्वारा। पर अभी कुछ रिसेंट स्टडी में पता चला है कि हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी PRP किया जा सकता है और इसके अच्छे फायदे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग में डाला जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हिस्ट्रोस्कोपी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पर बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक के साथ साथ ऑपरेटिव प्रोसीजर भी है और इससे आपकी कई चीज़ों का पता चलता है कि IVF क्यों फेल हो रहा है और भी कई हैं। इसीलिए आपकी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वो आपको हिस्ट्रोस्कोपी के लिए एडवाइज करती हैं। इसके अलावा भी आप हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्राइम IVF को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी ना छूटे।